चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में 17 एजेंडों में से 15 पर चर्चा हुई है। ग्रामीण इलाकों के पानी के बिल माफ किए गए हैं। 6 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ा गया है। रोपवे का प्रोजेक्ट क्लियर किया गया है। 55 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों को पेंशन मिलेगी। अब 1000 पीड़ितों को पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 जनवरी को विज्ञापन निकाला जाएगा ताकि युवक आसानी से विदेश जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि ग्रामीण इलाकों के पानी के बिल माफ किए गए हैं। जो पानी के बिल थे वर्षों से पेंडिंग थे, डिफॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियां बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ एक साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। क्या है ये फैसले, आप खुद ही मुख्यमंत्री की जुबानी सुन लीजिए। हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। तो वहीं ग्रामीण चौकीदारों को भी सरकार की तरफ से दी गई सौगात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी साझा की है। ग्रामीण चौकीदार इनको इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया, हमने पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स वन टाइम इन 5 ईयर्स ये 3,500 रुपया उनको ई रुपी का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गांव में कोई डेथ होती है तो उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको उन्हें 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज़ सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता। हरियाणा सरकार चुनावों से पहले बैठकों पर बैठकें कर रही है। सरकार आम लोगों को लुभाने के लिए चुनावी पारी खेल रही है ताकि लोगों का बड़ा वोट बैंक जमा कर सके और जीत का परचम लहरा सके। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।